हे स्वागत है आपका टेक रेसर में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे iPhone 13 के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमें सबको पता है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की सेल शुरू है और ये फ़ोन आपको काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे देखने को मिल रहा है, जो कि 57,000 रुपीज़ लाइक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे, एंड आपको आईफोन 14 मिल रहा है अराउंड 66,500 के आसपास। तो इस प्राइस रेंज में क्या ये डिवाइस रियली वर्थ है, या फिर आपको आईफोन 14 लेना चाहिए, 13 लेना चाहिए, या फिर 14 प्लस लेना चाहिए? तो मैं इस वीडियो में कुछ लाइक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए या नहीं। ये फ़ोन करंटली अभी मिल रहा है आपको 57,000 रुपीज़ में, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ बैंक ऑफर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिनको क्लब करके आप अराउंड इसको 55,000 में इसको परचेस कर सकते हो ब्रांड न्यू, जो कि 128 GB वर्जन है। तो काफ़ी अच्छे प्राइस पर आपको मिल जाएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी लाइक विद इन 2 मंथ्स वी हैव दिस लाइक बिग बिलियन डे सेल ऑफ, या फिर अमेजोन का जो लाइक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल रहता है, तो उसमें आप इसको और बेटर प्राइजेस पे भी खरीद सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ लाइक नाउ बाइंग दिस डिवाइस एट 55,000, आई विल सजेस्ट यू टू वेट फॉर 2 more months एंड गेट दिस डिवाइस एट प्रिटी अफोर्डेबल एंड वेरी गुड प्राइस। अफोर्डेबल तो अभी भी है, बट आपको एक अच्छी प्राइस मिलेगी 2 महीने बाद अराउंड सेप्टेम्बर में। बट स्टिल आपको अभी के अभी परचेस करना है इफ़ यू आर इन लाइक हरी, या फिर आपको अभी ज़रूरत है, तो वैसे बुरी प्राइस नहीं है। 56,000 इज़ गुड फॉर दिस फ़ोन, तो अभी आप ये परचेस कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं 13 और 14 के बारे में। तो आईफोन 13 और 14 किस कौन सा डिवाइस परचेस करना चाहिए, तो वेल इन दोनों का डिफरेंस वाला वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो आप वो चेक कर सकते हो। बट अगर स्ट्रेट अवे बात करने जाए तो इट मेक सेंस टू गो विद दिस आईफोन 13 इंस्टेड ऑफ 14, बिकॉज आप वो 9,000 बचा के उसमें कुछ और भी कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली वन थिंग इज़ दैट कपल ऑफ फीचर्स, स्लाइट कैमरा अपग्रेड है, और आपको 1 साल का ज़्यादा एजिंग मिलेगा, क्योंकि ये फ़ोन पहले आउटडेट होगा उसके बाद आईफोन 14। बट एज़ फार एज़ आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल वो 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के ऊपर कोई भी फ़ोन रखेंगे नहीं, तो वो कोई इशू रहेगा नहीं। तो आईफोन 13 परचेजिंग एन आईफोन 13 मेक्स अ बेटर एंड लाइक बेटर डिसीजन अगर आप परचेज करना चाहते हो तो। हाँ, वेल डिफरेंस का बात है जब आप आईफोन 13 और 14 प्लस के बारे में बात करते हो, क्योंकि 14 प्लस डेफिनेटली हैज़ मेजर डिफरेंसेस और उसका प्राइस रेंज भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप 14 प्लस लाइक अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो विद दैट फ़ोन, वो एक बेटर डील बनाता है। बट ये अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पर अगर परचेस करना है ब्रांड न्यू फ़ोन, तो 13 इज़ द बेस्ट फ़ोन, यू कैन गो फॉर इट राइट नाउ। तो या अगेन अगर आप वेट कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट टू वेट टिल सेप्टेम्बर, आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर डील देखने के लिए मिलेगी इस सेम फ़ोन पे और आईफोन 14 और 14 प्लस पे भी। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर प्राइजेस देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस मिलेगी और बेटर डिस्काउंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड या इन सारे फ़ोन्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको कोई भी फ़ोन परचेस करना होगा तो आप वो लिंक से जाके परचेस कर सकते हैं। तो इतना ही इस वीडियो को, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि सेल आई गेस आज सेल का आखिरी दिन है, तो आप डिसीजन लेके इस वीडियो तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके डिसीजन ले सकते हैं। तो इतना ही इस वीडियो को, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को, एंड या आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।